आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है चक डायनेस्टी। ये डायनेस्टी भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो अभी तक आपने नहीं देखे तो जम्मू एंड कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है, जे एंड के हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, जाइए और वो वाले वीडियोस देख लीजिए। पुरानी वीडियोस देखो, आगे बढ़ते जाओ पीछे छोड़ते जाओ, ये वाला कंसेप्ट लेकर आपको नहीं चलना है। तो चक डायनेस्टी से पहले हमने पढ़ा था शाम मीरी डायनेस्टी, जहाँ पर हमने मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ा था कि मुस्लिम रूल कश्मीर में स्टार्ट हो चुका था। फिर उसके बाद हमने आज चक डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, इसमें भी मुस्लिम रूल ही चल रहा है। टाइम पीरियड 1561 से लेके 1586 तक आ रहा है। 86 तक क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके बाद मुगल रूल जो है कश्मीर में स्टार्ट हो जाएगा। मुगल एम्पायर, जब अकबर जहांगीर वगैरह वाला सुना होगा आपने, इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, वो अकबर से जो एम्पायर है मुगल वाला, वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चक डायनेस्टी को मुगल एम्पायर आएगा। चक डायनेस्टी में बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, यूसुफ शाह चक। लेकिन हम पूरी चक डायनेस्टी के जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जैसा कि हमेशा पढ़ाया जाता है, वैसे वो कवर करवाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। देखो, लंकर चक की अगर हम बात करेंगे, लंकर चक कौन थे? जो देखो, चक डायनेस्टी की बात करें, बेसिकली आए कहाँ से? गुरेज दार्जिस्तान वाले एरिया से यहाँ पर आते हैं, जो कि मेजॉरिटी में यही माना जाता है। तो जैसे राजा सुहदेव की बात करेंगे, आपको बताया था कि जब वो किश्तवाड़ जो आ गए थे, इनके टाइम पे रिंचन भी आए थे, इनके टाइम पे शाहमीर भी आए थे, इनके टाइम पे लंकर चक भी आए थे। तो तीन तरह के लोग आए थे। रिंचन अपना अलग से एम्पायर बना दिया है ना, रिंचन डायनेस्टी तो बोलो, रिंचन ने भी शासन करा, कश्मीर में रूल करा था, उनका भी टाइम पीरियड रहा। शाहमीर की अपनी डायनेस्टी पूरी इस्टेब्लिश हो गई थी, और लंकर चक की भी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई। तो तीनों इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज थे उस टाइम पर, मैंने आपको उनके बारे में बताया। अब यहाँ पर जो है, देखो, लंकर चक की बात करेंगे, पहले रिंचन की बात करेंगे। रिंचन के दरबार में काम किया, उसको सर्व किया, तो लंकर चक उस टाइम से प्रेजेंट थे। तो कैसे अपनी प्रेजेंस बनाए रखी? पहले रिंचन का जो दरबार हुआ करता था वहाँ पर काम किया, उसके बाद फिर जब आपको पता है कोटे रानी ने जैसे शादी करी थी, फिर बाद में चैलेंज करा था शाह मीर को, तो शाह मीर की बात करेंगे। उस टाइम पर जो चक की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने किसका साइड दिया? इन्होंने जो है शाह मीर का साइड दिया। जिसका रूल उसका साइड होता जा रहा है। पहले रिंचन ने रूल करा, तो रिंचन के दरबार में काम करना स्टार्ट करा। फिर रिंचन की वाइफ ही थी ना कोटा रानी, इस तरह से आपको पढ़ाया था। तो जब कोटा रानी के अगेंस्ट में शाह मीर हुआ, तो ये चक किसके साइड हो गए? ये शाह मीर की साइड हो गए। इस तरह से वो अपनी प्रेजेंस बना के रख रहे थे। लेकिन हुआ क्या, और उसी के बाद में क्या हुआ, जब शाह मीर का साइड दिया, तो शाह मीर ने क्या कर दिया, लंकर चक को अपना मीर बख्शी बना दिया। लास्ट वीडियो में बताया था मीर बख्शी किसको बोलते हैं, कमांडर इन चीफ को बोलते हैं। तो इन बातों को ध्यान पे रखते हुए लंकर चक को कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। और ये सब कुछ चलता जा रहा था, ये बड़े रॉयल थे। लेकिन एक टाइम आता है जब पांडू चक का टाइम पीरियड आता है। पांडू चक की बात करेंगे, ये उस टाइम पर चक जो डायनेस्टी, चक डायनेस्टी भी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, बट जो चक के जो लोग थे उनके राजा लीडर हुआ करते थे। ये जैन उल अबदीन का टाइम पीरियड है, रिवॉल्ट कर जाते हैं। यानी कि अब क्या हो गया है, अब ये फेवर में नहीं चल रहे, अगेंस्ट में चल रहे हैं। जैसे शाह मीर भी पहले रॉयल थे, मतलब पूरी तरीके से लॉयल थे इनके लिए, जो रिंचन वगैरह की डायनेस्टी वगैरह थी। लेकिन टाइम आते ही रॉयल्टी गई साइड में, तो अपना रूल स्टार्ट करना है। वैसे यहाँ पर भी हुआ, लंकर चक की बात करेंगे, डायनेस्टी अभी रॉयल है पूरी तरीके से, लेकिन जब लगा कि हाँ कंडीशंस हमारे फेवर में आ गई है, तो लॉयल्टी जाएगी साइड में, हम अपना रूल करना स्टार्ट करेंगे। तो पंडू चक की बात करें, लीडर हुआ करते चक वालों के, इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, इनके अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से जो है वो कहानी स्टार्ट होती है चक डायनेस्टी वालों की, लेकिन चक लोगों की जो कहानी है वो इस तरह से। बैकग्राउंड आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से पहले यहाँ पर आए, किस तरह से साथ दिया राजाओं को, और किस तरह से रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, जब हुए तब से हम चक डायनेस्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि ये जो अभी इनके कंट्रोल में ही है, मतलब शाहमीर डायनेस्टी होगी या बाकी जो रूलर्स हैं इनके अंडर में रह के ही, जो चक के अलग अलग रूलर्स रहे, रूलर्स तो नहीं कहेंगे, चक डायनेस्टी के जो अलग अलग लीडर्स रहे, इन्होंने जब मुगल्स ने यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करी, तो मुगल्स को यहाँ पर अपोज करा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा था। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब चक डायनेस्टी जब हम कश्मीर में पढ़ते, जब उन्होंने रूल करा, हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखो, जैसे काजी शाह आगे, चार बेटे आगे, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं गाजी शाह से, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो सही मायने में रूल कर रहा स्टार्ट कर चक डायनेस्टी ने, वो इस टाइम पीरियड से करना स्टार्ट कर रहा था। तो गाजी शाह आएंगे, फिर गाजी शाह के ही आगे आपको सीक्वेंस दिख रही, गाजी शाह का ही भाई हुसैन शाह, फिर उनको टाइम पीरियड, फिर उसी का भाई आगे अली शाह, फिर आगे भाई अब्दुल खान, फिर आगे बेटे आपको देखने को मिल रहे इब्राहिम खान, यहाँ पर आपको यूसुफ शाह देखने को मिल रहा है, फिर यूसुफ शाह का बेटा याकूब शाह। तो आपको जो मेन पढ़ना है वो गाजी शाह,
हुसैन शाह, अली शाह, फिर इनके बेटों की बारी आएंगे तो यूसुफ शाह, फिर आगे बेटा याकूब शाह, और यहाँ पे जो है आपकी चक डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक सीक्वेंस आपको समझ आ रही होगी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाजी चक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और ये आपको स्क्रीन में फोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, मुजफ्फराबाद फोर्ट जिसे कहा गया, रेड फोर्ट भी कहा जाता है मुजफ्फराबाद में आज के टाइम पर, कश्मीर वाली साइड में जब आपको देखने को मिलता है, तो ये वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुजफ्फराबाद की बात करेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है आज के टाइम भी। तो यहाँ पे मुगल्स की बात करेंगे, उन्होंने कश्मीर में जो है वो, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली यहाँ पे होता क्या। मैं क्योंकि कुछ दूसरी तरफ में जा रहा था, वो मुझसे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो चुकी है, वो मैं करेक्ट कर लूँगा बाद में, लेकिन अब सुनते रहो यहाँ पर कि मैं क्या कह रहा हूँ। गाजी चक की बात करें, गाजी चक में कहा था मुगल्स की बात करेंगे, मुगल्स ने कोशिश करी कि हाँ हम क्या करेंगे, हम अपने कंट्रोल में करेंगे कश्मीर को। एक कोरा बहादुर की बात करेंगे, इस कंट्रोल में अपनी आर्मी वगैरह भेजते, लेकिन गाजी चक की बात करेंगे, मुगल्स को हरा देते रजौरी में। तो गाजी चक ने क्या, मुगल्स को रोक दिया, रजौरी से आगे नहीं आने दिया, तो वहाँ पर हरा दिया था। इसका मतलब मुगल्स यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सब होने के बाद महमूद गाजी शाह चक की बात करेंगे, वो अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं, जिसे चक डायनेस्टी कहते हैं। चक जो दार टेरिटरी को बिलोंग किया करते थे, जैसे कि मैंने बताया। सही नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, नसीर उद्दीन मोहम्मद गजनी, या फिर नसीर उद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक पूरा नाम हुआ करता था। और 1561 से लेकर 1563 तक जो सही टाइटल, जो शाही शासन स्टार्ट करा है, वो इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ, जो हम बोलते हैं चक डायनेस्टी स्टार्ट हुई। ऐसे तो 1554-55 से कर चुके थे, एक तरह से रूल करना स्टार्ट करते थे, बट जो सही तरीके से डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई है वो 1561 से लेकर 1561 से स्टार्ट हुई है। ये आपको समझना पड़ेगा। पहले चक सुल्तान अगर आपसे पूछा जाएगा, फिर फाउंडर कौन हो जाएगा चक डायनेस्टी का, तो गाजी चक या फिर महमूद गाजी शाह चक, जो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा वो अपने टिक कर दे रहे हैं। गाजी शाह की बात करेंगे, जस्टिस प्रोवाइड किया सभी को, ऐसा नहीं कि मतलब किसी को ये पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता जस्टिस नहीं प्रोवाइड करा जाएगा, है ना, सबको जस्टिस प्रोवाइड करा था। और क्योंकि फाइनेंस खर्चा वगैरह बड़ा हो चुका था, जो पहले सिस्टम जैसे हमने शाह मेरी डायनेस्टी के लास्ट के रूलर से वो एबल नहीं थे, तो काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर हो रहा था, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रही थी, उसके लिए कई तरह के स्टेप वगैरह उठाए गए थे गाजी चक के द्वारा, है ना। ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम पर जब मैंने हबीब शाह के बारे में पढ़ा था, तो उस टाइम पर भी जो मुगल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर एंट्री कर रहे थे, जैसे आपको मैंने बताया लास्ट शाह मेरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर को थे हबीब शाह थे ना, हबीब शाह के टाइम पर ये गाजी चक क्या हुआ करते थे, वजीर यानी कि चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो हबीब शाह की वजह से, हबीब शाह के टाइम पीरियड पर जो उनके चीफ मिनिस्टर गाजी चक थे, इन्होंने ही मुगल्स को हराया था। और बाद में देखा हबीब शाह जो कुछ होने नहीं वाला, हम ही गद्दी संभालते हैं, हम ही थ्रोन पे कब्जा करेंगे इस तरह से करके। तो पहले रूलर कौन आ गया, पे गाजी चक आ चुके हैं। गाजी चक के बाद उन्हीं के भाई आते हैं, नाम क्या है, हुसैन शाह चक। तो हुसैन शाह चक की बात करेंगे, यहाँ पर कुछ चल ठीक है, हुसैन शाह चक की बात करेंगे, टाइम पीरियड क्या है, उन्होंने 2 साल रूल करा, फिर 63 से स्टार्ट होता है रूल, 1570 तक जाता है। सेकंड चक सुल्तान कौन है, हुसैन शाह चक, गाजी शाह चक के ब्रदर, है ना। और उसके बाद ये गाजी शाह चक की बात करें, खुद ही अपने भाई के फेवर में थ्रो, क्योंकि कहते कुछ सोर्स में कहा जाता है वो ब्लाइंड हो चुके थे, कुछ में कुछ कहा जाता है, बट हाँ उन्होंने अपनी मर्जी से जो है अपना थ्रोन जो है अपने भाई के फेवर में कर दिया था। और इन्होंने फिर अपना जम्मू किश्तवाड़ राजौरी सारी जो पहाड़ी ला गए थे, वहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश वगैरह करा था, और इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी जो कि पॉलिटिकली कल्चरली या इकोनॉमिकली बोलो वो बेनिफिशियल देखने को मिल रही थी। पूरा नाम नसीर उद्दीन मोहम्मद हुसैन पातशाह गाजी, इस तरह से नाम था। और इनके टाइम एक सिक्का भी बना था, 6 किलो का आसपास वेट था, उसमें इनकी मूर्ति या इमेज वैसे कह सकते हो वो बनाई गई थी। आगे चलते हैं, हुसैन शाह चक के बाद जैसे आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट यूसुफ शाह चक आपको वो पढ़ना है, गाजी शाह चक के बाद हुसैन शाह चक, फिर उसका आगे भाई अली शाह चक, इसका रूल आ रहा है 1570 से लेकर 1578 तक का टाइम पीरियड है। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर भी अली शाह चक की बात करेंगे, ये तीसरे चक सुल्तान यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, यानी कि उसी के भाई, तीनों भाइयों की सीक्वेंस यहाँ पर चल रही है। अली शाह की बात करेंगे, अपने इनका एक दोस्त हुआ करता था सैयद मुबारक, उसे अपना वजीर यानी कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करा था, और डेथ हुई थी 1578 में, और श्रीनगर में दफनाया गया था। अली शाह चक के बारे में एक बात आपको याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये पोलो गेम के शौकीन हुआ करते थे, जो वो पोलो जो घोड़े में बैठ के गेम खेला करते थे, बोली हॉकी टाइप की, तो पोलो गेम के टाइम पीरियड में इनकी डेथ हो चुकी थी। और अली शाह चक की बात करेंगे, कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो चुकी, इंजरीज हुई थी, तो वो उसकी वजह से कुछ टाइम के वो डेथ हो चुकी थी। तो कौन से रूलर थे इस टाइम पर जिनकी पोलो की वजह से डेथ हुई थी, पोलो गेम की वजह से, वो ये अली शाह चक ही थे। लेकिन अपने जाने से पहले, क्योंकि जब इनको इंजरीज हुई थी उसके बाद जो टाइम पीरियड के पास था, उसमें उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि इसके बाद जो आगे सल्तनत आएगी वो उनके बेटे यूसुफ शाह के पास आएगी, यानी कि इसके बाद जो रूल करेगा वो यूसुफ शाह ने रूल करना है, यानी कि यूसुफ शाह चक का रूल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की इस डायनेस्टी में।
आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेडीज इन्फो पर इसकी क्लासेस चल ही रही हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम जेके लेडीज इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। और अगर आप कंप्लीट कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप कंप्लीट कोर्स या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ जब मैं जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं और मैक्सिमम सिलेबस कवर है, वहाँ पे जाके वीडियोस भी देख सकते हो। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिस्काउंट अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, हमने तीनों भाइयों की हमने बात की चक डायनेस्टी में, फिर आगे बेटे की बात करेंगे, यूसुफ शाह चक की बात करेंगे। टाइम पीरियड पहले 1578 से 79 है, फिर ब्रेक है, फिर 1580 से लेकर 86 तक का टाइम पीरियड है। दो बार शासन आया, दो बार रूल यहाँ पर करा है, उसके पीछे की कहानी क्या है अभी आपको क्लियर होगी। यूसुफ की बात करेंगे, जब सिंहासन संभाला, बाप ने कहा कि हाँ बेटे को सिंहासन देना है, इस काबिल तो नहीं थे उस टाइम पर से कहा जाता है ना, क्योंकि जो काबिलियत होनी चाहिए वैसे नहीं थी स्टार्टिंग में, तो फिर भी रूलर बनाया गया था, तो पता था कि हाँ मेरे चाचा है, ताया, इन सभी ने आगे तो अभी पंगे करने की कोशिश करनी है, सिंहासन संभालने की कोशिश कर रही है। तो अपना थ्रोन इस्टेब्लिश करने से पहले जो अपने अंकल थे, जैसे अब्दुल चक की बात करेंगे या बाकी सब, तो इनको हराने का काम कर रहा था कि जब मैं सिंहासन बैठूं मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह ना हो। और यूसुफ शाह चक के बारे में कहा जाता है रोमांटिक फिगर, और हब्बा खातून से शादी करी थी। हब्बा खातून की बात करें, जून या नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, फेमस पोइट्री से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, हब्बा खातून को कहा जाता है। और ये काफ़ी खर्चीले भी थे, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में कई तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते थे, खर्च ज़्यादा करेंगे, राजे खर्चा ज़्यादा करेगा तो कैसे काम चलने वाला है। तो उसके बाद गुलमर्ग और सोनमर्ग को हॉलीडे रिजॉर्ट किसने बनाया था, यूसुफ शाह चक ने ही बनाया था। तो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे क्या था, शासन पे रूल किस तरह से करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, उस पर फोकस थोड़ा सा कम था, है ना, उस पर फोकस कम था। बाकी गाने वगैरह हो गया, डांस वगैरह हो गया, इन सब में शौकीन ज़्यादा थे, एडमिनिस्ट्रेशन पे कम शौक वो था, फोकस कम था स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे, तभी तो इतने साल तक स्टार्टिंग में टिके। फिर बाद में जब सब कुछ ठीक हुआ तो इतना टाइम पीरियड चला था। तो पहले आपको समझ आ रहा स्टार्टिंग में हो क्या रहा है, ये सारी कहानी आपके सामने स्क्रीन में है। और अभी सिंहासन संभाला ही था कि दो महीने के बाद यूसुफ शाह की चक की बात करेंगे, दो महीनों के बाद इन्हीं के एक कैबिनेट में मिनिस्टर हुआ करते थे अब्दुल भट्ट। अब्दुल भट्ट की बात करेंगे, उन्हें वज़ीर बनना था, वो वज़ीर बनने के लायक थे, है ना, लेकिन हुआ क्या, उनको वज़ीर बनाने की बजाय किसे वज़ीर बनाया गया, मोहम्मद भट्ट को वज़ीर बनाया गया। वज़ीर समझ तो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम पीरियड पर। तो हुआ क्या, दो महीने के बाद यूसुफ का रूल अभी चल रहा है, रिवॉल्ट हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक मिनिस्टर थे अब्दुल भट्ट, अब्दुल भट्ट को बनना था वज़ीर, वो काबिल थे, लेकिन बनाया किसे गया, मोहम्मद भट्ट को बनाया गया। तो अब्दुल भट्ट क्या करेगा, रिवॉल्ट करेगा, है ना। ये दो इवेंट हुए थे यूसुफ शाह चक के टाइम पीरियड पर, वो पहला ही इवेंट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब्दुल भट्ट की बात करेंगे, कई सारे वहाँ पे और भी मिनिस्टर थे जो कि सेटिस्फाइड नहीं थे यूसुफ शाह चक से, उन्हें अपनी तरफ कर लेता है कि भाई ये तो सही नहीं है, इस तरह से करके। सिंपल सी बात है, जो यूसुफ शाह चक के खिलाफ हैं उनको अपने सपोर्ट में करना बड़ा आसान था इसके लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, जब अपने फेवर में कर लिया तो यूसुफ शाह चक क्या करता है, जिसको मोहम्मद खान की बात करेंगे, मोहम्मद खान को भेजता है, तुम जाके इसे लड़ो, कहाँ पर, ईदगाह श्रीनगर में भेजा जाता है। लड़ाई होती है अब्दुल भट्ट की साइड से और मोहम्मद खान की साइड से, या मोहम्मद भट्ट की बोल लो, इनकी तरफ से जब लड़ाई वगैरह सामने आती है तो होता क्या है, अब्दुल भट्ट जीत जाता है, मोहम्मद खान मारा जाता है, और मोहम्मद खान ही नहीं इसके साथ साथ 300 के आसपास लोग भी मारे जाते हैं। तो यानी कि हार किसकी हुई यहाँ पर, यूसुफ शाह चक की यहाँ पर हार हो चुकी है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। फिर अब्दुल भट्ट क्या करता है, यूसुफ शाह चक की हार हो चुकी है, जब यूसुफ शाह चक को बोलता है आप जाइए, जैसे कहता है वनवास भेज देना, आप जाइए, आप यहाँ से निकलिए पहाड़ों में, जैसे वादियों में जाके खोजिए, थोड़ी देर बाद आराम वगैरह कीजिए, इस तरह से कहा जाता है, कोई सलाह वगैरह को देता है, तो यहाँ से चले जाते हैं। तो अब्दुल भट्ट क्या करता है, सैयद मुबारक को जो है सुल्तान बना देता है, समझ गए। तो जो आपको गैप देखने को मिल रहा था ना, वो गैप क्यों देखने को मिला आपको समझ आएगा, यूसुफ शाह यहाँ पर हार चुका तो यहाँ से जाना पड़ा, कश्मीर में कई वादियों में जाकर रुकना पड़ा, वो छिपना कर पड़ा, जो मर्जी समझ लो। और इस टाइम पीरियड पर अब्दुल भट्ट यानी कि जो कह रहे थे कि मैं वज़ीर बनना चाहता हूँ, मैं काबिल हूँ इस काबिल के, उसने सैयद मुबारक को जो है वो सुल्तान बना दिया, कुछ टाइम पीरियड के लिए सैयद जो है सुल्तान बना हुआ था। अब बाकी की कहानी क्या है, ये अगर हम एक जैसे पोइट वगैरह बुक्स वगैरह तो उसके बाद के सोर्स को यूज़ करते हम बात करें तो कहते हैं यूसुफ की पोजीशन इतनी वीक थी कि अगर सैयद मुबारक जिसे मतलब सुल्तान बनाया गया, अगर वो यूसुफ के खिलाफ आता तो अगर यूसुफ की बात करें वो बड़ी आसानी से पकड़ा जाता, बड़ी आसानी से मारा भी जा सकता था। और यूसुफ क्या करता है, क्योंकि उसकी पोजीशन बड़ी वीक है, बड़ी कमज़ोर पोजीशन है, वो मुल्ला हसन असवाद जो है उसे सैयद के पास भेजता है, सैयद मुबारक के पास भेजता है,
माफ़ी मांगने के लिए कि मुझे माफ़ कर दो, और सेठ जो है वो इमिडिएटली माफ़ कर भी देते हैं, समझ गए। तो एक तो एक ये सिचुएशन चल रही है यूसुफ शाह के टाइम पीरियड की, फिर बाद में बुलाया जाता है कि हाँ ठीक है अब इसको वापस गद्दी पे बिठाना चाहिए सुल्तान के काबिल वगैरह है, क्योंकि सब कुछ सीख लिया हार से, इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन एक दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट जो सब कुछ चेंज करता है वो क्या होता है, मुगल्स एंट्री कर रहे हैं, बातचीत वगैरह हो रही है, कई बार बातचीत से भागा भी जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर चल रही होती हैं, कई बार लड़ने की कोशिश भी करी जाती है। फाइनली होता क्या है, बुलाया जाता है कि बातचीत के लिए आइए, दिल्ली में आइए बातचीत के लिए, हमसे यूसुफ शाह चक को बुलाया जाता है। लेकिन रास्ते में ही जो है वो पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और बिहार में भेज दिया जाता है कि जाइए बिहार में जाके रहना स्टार्ट कीजिए, कश्मीर हमारा, कश्मीर में हम रूल करेंगे। तो एक तरह से धोखा बोल सकते हो, जो मर्ज़ी समझ लो, इस तरह से वहाँ पर परफॉर्म कर जाता है, यानी कि दिल्ली बुलाया गया और बिहार में भेज दिया गया। और बिहार में जिस जगह इन्हें सेटल होना पड़ता है उसका नाम क्या पड़ता है, कश्मीर चक उसका नाम पड़ता है। 1592 में जाके उड़ीसा की तरफ वे होते, वहाँ पे डेथ हो जाती है, और फिर बाद में दोबारा से बिहार में लाया जाता है, जहाँ जब डेथ हो जाती है उसको बिहार में लाया जाता है। और अगर कहते हैं कि कश्मीर में अगर किसी को हम बोलेंगे लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर या फिर लास्ट मुस्लिम इफेक्टिव रूलर कौन था, तो वो यूसुफ शाह चक ही था। यूसुफ शाह चक की बात करेंगे उस, देखो जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ ना मुगल वाली, बड़ी शॉर्ट में सीक्वेंस बता रहा हूँ, क्योंकि डेप्थ में अगर मैं जाऊँगा ये बड़ी डेप्थ वाली कहानी है ये वाली, तो उसमें कम से कम ये 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरी इस कहानी समझाने में, कैसे भाई ने कैसे धोखा दिया था, कैसे बेटा क्या मतलब वो क्यों दिल्ली बुलाया गया, कैसे बातचीत हो रही थी, वो थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, वो इतने डेप्थ करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने डेप्थ बुक में भी किसी बुक में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर जो थे, इफेक्टिव रूलर थे, वो कौन थे, यूसुफ शाह चक थे। यूसुफ शाह चक के बाद कौन आता है, उनका बेटा याकूब शाह चक आता है। अब इस टाइम पीरियड पे क्या, वो मुगल के जो आर्मी है कासिम खान के अंडर है ना, कासिम खान के अंडर आती है, लड़ाई लड़ती है, मुगल जो है वो जीत जाते हैं, हरिपुरा की साइड की बात करेंगे। अब जब मुगल जीत चुके हैं तो किसका इस्टेब्लिशमेंट होगा, मुगल एम्पायर का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। तो बेसिक सा ओवरव्यू आपको समझ आया, एक बार फिर अगर आपको फिर से रिवाइज यहाँ पे करवाना चाहूँ तो यहाँ से कवर करते हैं। हमने गाजी शाह की बात की, गाजी शाह चक से यहाँ पे चक डायनेस्टी स्टार्ट होती है, फिर भाई हुसैन शाह आता है, फिर भाई अली शाह का टाइम पीरियड आता है, फिर अली शाह बोलता है अपने डेथ से पहले पोलो गेम के टाइम पर डेथ हो गई है इंजरीज की वजह से, बोलता है कि मेरा बेटा यूसुफ शाह जो है वो रूल करेगा। और इस टाइम पे दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, एक तो अपने ही लोगों ने विद्रोह कर दिया, दूसरा मुगल्स भी स्ट्रांग थे वो भी विद्रोह कर रहे थे, है ना, वनवास पे भेज दिया जाता है। और उसी टाइम पीरियड पे याकूब शाह को जो कहा जाता है, क्योंकि अब तो कोई है नहीं तो याकूब शाह ही रूल करेगा, तो ये तो है वनवास में, और इसके टाइम पे मुगल आर्मी फिर से आके अटैक करती है और याकूब शाह जो हार जाता है वहाँ पर, तो मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाता है। तो जैसे मुगल एम्पायर का स्टार्टिंग होगा कश्मीर में, वो आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। थैंक यू, जय हिंद।